मोबाइल से फुर्सत मिल गई हो तो बेटा नाश्ता कर लेती। हाँ पापा, बस अभी कर रही हूँ, थोड़ा ठंडा हो जाए। ठंडा हो चुका है कब का, अब इसमें बर्फ जमने का वेट कर रही हो क्या? नहीं नहीं। कैसे जाओगी, मैं छोड़ दूँ? नहीं नहीं पापा, मैं बाइक से चली जाऊंगी। बाइक से? बोला बाइक बुक की है क्या? हाँ वही बुक कर रही हूँ। आ गया, मतलब बाइक आ गई। मैं निकलती हूँ पापा, लेट हो जाऊंगी। बोला बाइक इतनी जल्दी? हाँ पापा। अरे पर ये नाश्ता तो, ये बोला बाइक वाला वेट भी तो कर सकता है। ना जाने क्या हो गया इस लड़की। ये कैसा बोला बाइक वाला है, जिसने ना ओटीपी पूछा ना इसका कॉल आया, सीधा घर ही पहुंच गया। ए! अरे हेलमेट तो लगा लेता। आज कटहल की सब्जी बना रहा हूं। बोलना अपनी मम्मी को कि जब वो अपने मायके जाती है तो पापा कितना अच्छा खाना बनाकर खिलाते हैं। पर पापा मुझे आज जानवी के बर्थडे पार्टी में जाना है। इतनी रात को? रात नहीं हो रही पापा, शाम हो रही है। और हाँ, मुझे वहाँ आज नाइट स्टे भी करना है। तो ठीक है, फिर मैं आज तुम्हें जानवी के घर छोड़ दूंगा, ठीक? अरे उसकी कोई जरूरत नहीं है पापा, मैंने बोला कैब बुक कर ली है। ओटीपी दे रही हो बेटा? जी मैम, बताइए ओटीपी। 8598। ये तो तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ है ना? हाँ पापा, कोइंसिडेंस। कोइंसिडेंस तो ये है बेटा कि ये बोला ड्राइवर सवेरे बाइक चलाता है और शाम को कार। कितना कमा लेते हो बेटा? जी यही 2-3 हजार बन जाते हैं अंकल। वैसे मुझे जहाँ तक लगता है 3-4 हजार का तेल तो ये तुम्हारी गाड़ी पी जाती होगी, बचा पाते हो कुछ? पापा मुझे बहुत लेट हो रहा है, आप चलो ना भैया। देख क्या रहे हो भैया, गाड़ी स्टार्ट करो, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। एक मिनट भैया, पापा आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा, जानवी के बर्थडे में स्टैग एंट्री नहीं है क्या? पापा वो गर्ल्स की पार्टी, आप वहाँ जाके क्या करेंगे? अब आपको अगर कहीं जाना है तो आप अपनी गाड़ी से चले जाइए ना। जब घर की गाड़ी होते हुए तू बोला कैब से जा रही है तो पैसे बचाते हैं ना। वैसे कितना हो रहा है जानवी के घर तक का? 1350। कमाल, ये कैसी कंपनी है जहाँ ड्राइवर कम बताता है और कस्टमर ज्यादा। ऐसे तो तुम्हारी कंपनी लुट जाएगी भैया। अंकल मैं भैया नहीं हूँ। पापा ये ड्राइवर नहीं है। और मैं बेवकूफ नहीं। हम पेरेंट्स समझते हैं कि तुम यंग हो, दुनिया को अपनी नजर से देखना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो। इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है जब तुम लोग ये समझने लगते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स बेवकूफ हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। जिंदगी खुल के जीने के लिए है, जियो, एक्सप्लोर करो। पर इसके चक्कर में तुम्हारे पेरेंट्स के भरोसे का एक्सप्लोजन हो जाए, ये ठीक नहीं है। माँ बाप को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ हैं, ताकि कोई अनचाही स्थिति उन पे आ जाए तो वो उन तक पहुंच तो पाए। बाकी टाइम से घर आ जाना बेटा। और अगर तुम सच बोलना सीख जाओ तो 1 साल में 4 बार जानवी का बर्थडे मनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हैप्पी फादर्स डे।
नमस्कार साथियों, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को देने के लिए आया हूँ। लखनऊ के अंदर मात्र 600 रुपये से 1200 रुपये स्क्वायर फीट के बहुत सस्ते प्लॉट और जिस रेंज में आप लोग चाहें और जितने क्षेत्रफल के आप लोग चाहें, चाहे 600 स्क्वायर फीट हो, 800 हो, 1000 हो, बहुत सस्ते दामों में लखनऊ के अंदर आप लोगों को मिल रहे हैं। जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पे फ़ोन करिए जो डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ये मौका आप लोगों के हाथ से छूट ना जाए। और फिर मौका अगर एक बार आप लोगों के हाथ से छूट गया तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी, तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और इस नंबर पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।